हाय गाइस, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप। समर में मेकअप कैसे करें, लाइट मेकअप। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टोनर। मैंने फेस वॉश अच्छे से कर लिया है, फेस वॉश बकायदा यूज़ करके, खाली पानी से नहीं। उसके बाद मैंने टोनर अप्लाई करने के बाद मैंने अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइज़र। बहुत ही अच्छा है, मेरे स्किन पर बहुत अच्छा सूट करता है, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का बीबी क्रीम, सॉरी ब्लू हेवन का प्राइमर। ओके, ब्लू हेवन का प्राइमर लाइक कंपनी से ऐसा लगे कि अच्छा नहीं होगा, बट प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, प्राइमर बहुत ही अच्छा है, मैट फिनिश देता है। सो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए आफ्टर प्राइमर, अब यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का बेबी क्रीम। ओके, आज मैं ट्राई कर रही हूँ ब्लू हेवन का सारा प्रोडक्ट यूज़ करने का। ब्लू हेवन का बेबी क्रीम यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लगाया, पर नहीं, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। समर में आप इतना लाइट मेकअप तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने हाफ साइड पर ही पहले लगाई हूँ, हाफ साइड पर बाद में, वरना क्या होता है ना कि एक साइड पर लगा लो, दूसरे साइड एक मतलब लगाने के बाद क्या होता है ना, ड्राई होने लग जाते। तो एक साइड का लगा के पहले वहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, उसके बाद दूसरी साइड में अप्लाई करिए। उससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से लाइक इक्वली अच्छे से अप्लाई हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि वो ड्राई नहीं होता, तो आपको रगड़ना नहीं पड़ता या खींचना नहीं पड़ता, इजीली वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। या नेक पे आप अच्छे से आप रगड़ लाइक ऐसे खींच खींच के आप कर सकते हैं। फेस पे आप अच्छे से डैम्प करते हुए आप उसको ब्लेंड कर लीजिए, फाउंडेशन है या कंसीलर है या बीबी क्रीम है। अब यहाँ मैं ब्लश वगैरह कुछ नहीं यूज़ कर रही हूँ, कंसीलर वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ टिंट यूज़ कर रही हूँ, ब्लू हेवन का ही है ये भी। अभी लाइक गर्मी में सब धुल ही जाता है, तो बेटर है कि लाइट ही रखें हम, जितना लाइट हो सके। इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, और इसको मैं स्प्रेड करने के लिए भी वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ जो मैंने बीबी क्रीम को लगाने के लिए अच्छे से ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया था। ये देख सकते हैं आप, ज़्यादा हैवी नहीं कर रही हूँ इसलिए आपको शायद ऐसा लग रहा हो। अब यहाँ पे ये मेरा फेवरेट है फेसिस कैनेडा का कॉम्पैक्ट पाउडर, ब्लू हेवन का भी है पर ये वाला मेरा थोड़ा आजकल मेरा ज़्यादा रिसेंट में फेवरेट चल रहा है। कॉस्टली है पर है बहुत अच्छा, फिनिश बहुत अच्छा देता है फेस पे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि फिर वो मेल्ट होने लग जाए, पसीने से पैचेस बन जाए फेस पे, ऑक्सीडाइज हो जाए, तो इससे बेटर है लाइट लगाओ पर अच्छे से लगाओ। अब बारी है आईब्रो सेट करने की। सेम ब्लू हेवन कंपनी का मैंने आईब्रो पेंसिल ले ली हूँ। पहले उसके पीछे जो ब्रश होता है, उस ब्रश की हेल्प से मैं इक्वली ब्रश कर लूँगी दोनों साइड के आईब्रोज़ को। आईब्रोज़ को ब्रशिंग करने के बाद, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आपको कहाँ पे लगाना है आईब्रो पेंसिल। ओके, और ब्लैक कलर का आईब्रो पेंसिल कभी भी यूज़ ना करें, आईब्रोस पे कभी भी ब्लैक कलर यूज़ ना करें। नेचुरल रखना है तो या तो ग्रे लीजिए या तो फिर आप ब्राउन लीजिए। इसमें ब्राउन कलर का है तो मैं वही ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। एक साइड ब्रश है और एक साइड पेंसिल टाइप है। पेंसिल टाइप नहीं है, काजल जैसा है कि हम लाइक उसको नीचे से ट्विस्ट करके और फिर ऊपर हम ला सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। और बहुत ही अच्छा लाइक ब्राउन शेड है तो लाइक नेचुरल लगता है ये, बिल्कुल भी ऐसा आर्टिफिशियल टाइप में या बहुत हैवी बहुत गंदा नहीं लगेगा, ये देख सकते हैं आप एंड में। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का आईलाइनर। आईलाइनर मुझे कैमरे में देख के लगाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैंने ट्राई हालांकि किया पर मुझसे नहीं हुआ। इसलिए फिर बाद में मुझे कैमरा बंद करके मुझे आईलाइनर को लगाना पड़ा। ये देखिए मैंने दोनों आईज पर लगा ली हूँ। अब बारी है ब्लू हेवन के से। आज मैं यूजुअली सारा ब्लू हेवन कंपनी का ही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ काजल ब्लू हेवन का, बहुत ही अच्छा काजल है। आप देख सकते हैं कि लाइक लगाने पे वो अच्छे से लग जाता है, तुरंत लग जाता है। और अब बारी है ब्लू हेवन कंपनी के मस्कारा की। ब्लू हेवन का है, हाँ आई गेस ब्लू हेवन का ही है, शायद ब्लू हेवन कंपनी का ही मस्कारा है। मेरे लैशेस काफ़ी बड़े हैं तो मैंने ये लॉन्ग लैश वाला जो आता है उसमें दो टाइप का आता है, एक कर्ल्स वाला आता है और एक लॉन्ग लैशेस के लिए होता है, तो मैंने ये लॉन्ग लैशेस वाला मंगवाई थी। मेरे लॉन्ग लैशेस है इसलिए मैंने ये वाला मंगवाई और बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है ब्लू हेवन के, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। अब यहाँ पर मेरे पास ब्लू हेवन का पेंसिल लिप लाइनर नहीं था तो मैं यहाँ पर NYB का ले रही हूँ। लाइट शेड है, ज़्यादा डार्क नहीं है, दिखने में शायद आपको इसमें रेड लगे वीडियो में, पर ज़्यादा डार्क नहीं है ये। इनर भी मैं उसी से फिल कर लूँगी, उसके बाद मैं लिक्विड लिपस्टिक इस पर अप्लाई करूँगी।
सो पहले मैंने अच्छे से लाइनिंग कर दी और उसके बाद मैंने अंदर फिनिशिंग दे दिया उसी से। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर का लिक्विड लिपस्टिक, लाइट कलर है, मेरे पे लाइट कलर सूट नहीं होता है क्योंकि मेरा डस्की स्किन टोन है। सो अब मैंने एक्चुअली उसके नीचे मैंने लिप पेंसिल यूज़ किया है, तो ये लगाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था लाइट कलर का। यहाँ मैंने लगा ली बिंदी। अब ये है मेरा फुल लुक। कमेंट करके बताइएगा कि मेकअप वीडियो कैसे लगा, मैं कैसी लग रही हूँ। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। और ये साड़ी मैंने बाय की थी मीशो से। बाय बाय।